हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना किसी ऐप के अपने मोबाइल में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कैसे चालू करें। चाहे आपका मोबाइल वीवो का हो, वन प्लस का हो, ओप्पो का हो, सैमसंग का हो, ऑल मोबाइल में सेटिंग चालू कैसे करें कॉल रिकॉर्डिंग की। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए, तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन जिस पर आप फ़ोन करते हो उसके ऊपर चले जाइए। इस पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर कॉलिंग के ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपको राइट साइड में तीन बिंदु दिख रहे हैं, इसके ऊपर टच कर लीजिए। इसके ऊपर टच करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक हैरिसिंग कॉल दिखाई देगा और कॉल सेटिंग, तो आप कॉल सेटिंग पर टच कर लीजिए। कॉल सेटिंग पर टच करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारी सेटिंग है। तो मैं अभी कॉल रिकॉर्डिंग का बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चौथे नंबर पर रिकॉर्ड सेटिंग, तो इसके ऊपर टच कर लीजिए। इसके ऊपर में टच करने के बाद में अभी मेरे इसमें बंद है कॉल रिकॉर्डिंग, तो मुझे जैसे ऑटोमेटिक जैसे कॉल लगाना है या ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चालू करना है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप रिकॉर्ड ऑल कॉल सेटिंग कॉल ऑटोमेटिकली पर टच कर लेना है। इसके ऊपर टच करने के बाद में यहाँ पर आपको मैं फ़ोन करके दिखा देता हूँ किसी को भी ऑटोमेटिक कैसे रिकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर मैं किसी को भी लगा देता हूँ, जैसे 198 पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर मैं चालू कर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग का चिन्ह आ गया है। तो आप भी ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ जो रिकॉर्डिंग मैंने कॉल रिकॉर्डिंग किया है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ ऑप्शन वाले पर टच कर लेते हैं। उसके बाद में रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके यहाँ पर ऐप है, इसके ऊपर टच कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नॉर्मल और दूसरा कॉल पर, तो कॉल पर टच कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी रिकॉर्डिंग चालू किए थे हमने ऑटोमेटिकली वो दिखाई दे रहा है, तो आप सुन सकते हैं भी ऐसे करके। तो यहाँ पर आप ऐसे सेटिंग कर लीजिए, आपको भी परेशानी नहीं होगी जो बार बार कॉल रिकॉर्डिंग और बिना किसी ऐप के है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख सकते